Eat this
सैंडविच? क्या तुम ये सैंडविच खाना चाहोगे? डू यू वांट दिस सैंडविच? देन द लिटिल डॉग वाज हंग्री. द लिटिल डॉग वाज हंग्री. हंग्री HUNGRY हंग्री मतलब भूख लगी थी. डॉगी को बहुत भूख लगी थी, छोटा सा डॉगी. देन इट केम क्लोज टू द बॉय. इट केम क्लोज टू द बॉय. वो लड़के के पास आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि वो लड़का उसे सैंडविच दे रहा था. दिया नहीं था, सिर्फ दिखा रहा था. तो खाने के लिए द बॉय. देन इट सैट डाउन ऑन इट्स हिंड लेग्स. उसने लड़के के पास आकर वो बैठ गया डॉगी. इट ओपन इट्स माउथ फॉर द सैंडविच. इट ओपन इट्स माउथ फॉर द सैंडविच. सैंडविच खाने के लिए डॉगी ने अपना मुंह खुला कर लिया. बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द डॉग एनीथिंग टू ईट. बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द डॉग एनीथिंग टू ईट द बॉय गेव इट ए हार्ड किक इन द बेली. बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द डॉग एनीथिंग टू ईट. कुछ देने के बदले लड़के ने क्या दिया? द बॉय गेव इट ए हार्ड किक. एक बहुत बड़ा जोर से हार्ड किक, जोर से उसने लात मारी. कहाँ पे लात मारी? इन द बेली. छोटे से कुत्ते को कुत्ते के पेट में लात मारा उसने. किक, हार्ड किक. द लिटिल डॉग येप्ड इन पेन. द लिटिल डॉग येप्ड इन पेन. छोटा सा बेबी कुत्ता रोने लगा, दर्द के मारे वो रोने लगा. द लिटिल डॉग येप्ड इन पेन. इट रैन अवे फ्रॉम द बॉय. इट रैन अवे फ्रॉम द बॉय. वो लड़के से डर गया और भागा. इट रैन अवे फ्रॉम द बॉय. द बॉय बिगन टू लाफ. उस लड़के ने हंसना शुरू कर दिया क्योंकि वो उसे सैंडविच नहीं देना चाहता था, उसके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था. द बॉय बिगन टू लाफ. बॉय हंसने लगा. हाउ क्रूएल ही वॉज. हाउ क्रूएल ही वॉज. वो कितना बुरा था. देखिए पिक्चर में देखिए वो लड़का कैसे डॉगी को लात मार रहा है और डॉगी एव्ड इन पेन, दर्द के मारे चिल्ला रहा है एव्ड इन पेन. मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस. हु वाज मिस्टर रॉय? मिस्टर रॉय ए ह्यूमन बीइंग एंड ही लिव देयर. I must teach this boy a lesson. He said to himself. Mr. Roy said to himself. खुद पर खुद अपने आप से बोलने लगे कि मैं उस लड़के को एक लेसन सिखाऊंगा, कुछ सिखाऊंगा उसे. Then he got up from his seat and came out into the street. Then he got up from his seat. उन्होंने जहाँ बैठा था उठ गए. And came out into the street. जिस गली में वो लड़का और कुत्ते खड़े थे वहीं की ओर चल पड़े. Then he had a stick in his hand. उनके हाथ में एक छड़ी थी, स्टिक, लाठी. He called out to the boy in a kindly tone. उन्होंने प्यार से उस लड़के को बुलाया. He called out the boy in a kindly tone. The boy at once came to Mr. Roy. The boy came to the
मिस्टर रॉय। लड़के ने पुकार सुनकर मिस्टर रॉय के पास आ गया। देन मिस्टर रॉय टूक आउट ए 10 रुपी नोट। मिस्टर रॉय टूक आउट ए 10 रुपी नोट फ्रॉम हिज पॉकेट। मिस्टर रॉय ने अपनी पॉकेट से 10 रुपए की एक नोट निकाली। मिस्टर रॉय टूक आउट ए 10 रुपीज नोट फ्रॉम हिज पॉकेट। ही सोल्ड इट टू द बॉय। ही सोल्ड इट टू द बॉय। जैसे बॉय ने कुत्ते को सैंडविच दिखाई थी ना, उसी तरह मिस्टर रॉय ने भी 10 रुपीज की नोट को बॉय को दिखाई। एंड देन सेड, ओ बॉय सेड मिस्टर रॉय, डू यू वांट दिस 10 रुपीज नोट? डू यू वांट दिस 10 रुपीज नोट? क्या तुम्हें ये 10 रुपए की नोट चाहिए? डू यू वांट दिस 10 रुपीज नोट? यस आई वांट इट सेड द बॉय हैप्पीली। यस आई वांट इट सेड द बॉय हैप्पीली। वो लड़का खुश होकर बोलता है, हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। देन हैव इट सेड मिस्टर रॉय। देन हैव इट सेड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय बोलते हैं, तो ले लो। देन द बॉय स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द मनी। द बॉय स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द मनी। उस 10 रुपीज के लिए उस लड़के ने अपना हाथ आगे किया। स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर मनी। बट मिस्टर रॉय पुट द नोट बैक इनटू हिज पॉकेट। बट मिस्टर रॉय पुट बैक वापस रख दिया इन हिज पॉकेट। मिस्टर रॉय ने उस 10 रुपीज नोट को अपने पॉकेट में वापस रख लिया। और उन्होंने क्या दिया उस लड़के को? उन्होंने क्या दिया? पैसे तो रख लिए। इंस्टेड ऑफ गिविंग द बॉय एनी मनी, पैसे के बदले ही गेव हिम ए हार्ड ब्लो विद इट स्टिक। क्या दिया उन्होंने? He gave him a hard blow with his stick. उस छड़ी से, स्टिक से उन्होंने एक मारा। देखो बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में उन्होंने मारा। Then the boy cried in pain. बच्चा रोने लगा, उसे दुखा, हाथ में दुखा। Why did you hit me? He asked angrily. उस लड़के ने गुस्से में बोला, आपने मुझे क्यों मारा? Why did you hit me? I didn't ask you for any money. मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे थे। मैंने आपसे कोई पैसे नहीं मांगे थे, तो आपने मुझे क्यों मारा? एंड दैट डॉग ऑल्सो डिडंट आस्क यू फॉर एनी सैंडविच, सेड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय क्या बोलते हैं? क्या वो कुत्ता तुमसे सैंडविच मांगने आया था? दैट डॉग ऑल्सो डिडंट आस्क यू फॉर एनी सैंडविच, देन व्हाई डिड यू हिट द पुअर लिटिल एनिमल? एंड देन क्या बोलता है? जब लड़का बोलता है, जब मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे तो आपने मुझे क्यों मारा? तो मिस्टर रॉय बोलते हैं, देन व्हाई डिड यू हिट द पुअर एनिमल? तुमने वो छोटा सा एनिमल को क्यों मारा? द बॉय हंग हिज हेड इन शेम। लड़का शर्म के मारे अपना सिर झुका लेता है। द बॉय हंग हिज हेड इन शेम। ही वॉज सॉरी फॉर
what he had done. उसने जो किया था उसके लिए वो शर्मिंदा था, सॉरी था. There were tears in his eyes. There were tears in his eyes. उसके आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसकी उसने अपनी गलती समझ ली थी. Did the blow give you pain? Did the blow give you pain? Ask Mr. Roy. Mr. Roy पूछते हैं, क्या तुम्हें ये मार दुखा? Yes uncle, it hurt me so much. Yes uncle, it hurt me so much. हाँ मुझे दर्द हो रहा है. So you must know what pain you gave to that little dog. So you know what pain you gave to that little one or little dog. तो तुम्हें जैसे दुख रहा है या फिर दर्द हो रहा है, उसी तरह इस छोटे से कुत्ते को भी कितना दर्द हुआ होगा. Forgive me uncle, said the boy. Forgive me uncle, said the boy. Boy बोल रहा है, forgive me uncle, मुझे माफ कर दीजिए. I will never do it again. I will never do it again. मैं अभी कभी भी ये सब नहीं करूंगा. So you have learned a lesson, said Mr. Roy. So you have learned a lesson. तुमने कुछ सीखा कि नहीं? तुमने एक पाठ सीखा. बी ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का बनो. डोंट बी क्रूएल टू लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल्स. डोंट बी क्रूएल टू लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल्स. छोटे छोटे एनिमल्स हो या फिर बर्ड्स हो, पशु पक्षियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए. They also feel pain like us. They also feel pain like us. वो भी हमारे तरह दर्द पाते हैं, उन्हें भी दर्द होता है. You must never hit or kill these poor things. You must never hit or kill these poor things. तुम कभी भी इन्हें नहीं मारोगे या फिर हार नहीं पहुंचाओगे. फॉरगिव मी अंकल, सेड द बॉय. लड़का बोलता है, अंकल मुझे माफ कर दीजिए. फॉरगिव मी, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ. आई शैल ऑलवेज बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. आई शैल ऑलवेज बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. मैं हमेशा पशु पक्षी बर्ड्स एंड एनिमल के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा. यस बी ए गुड बॉय एंड गॉड विल ब्लेस यू, सेड मिस्टर रॉय. यस बी ए गुड बॉय एंड गॉड विल ब्लेस यू, सेड मिस्टर रॉय. तुम अच्छे बच्चे बनोगे, भगवान भी तुम्हारा अच्छा करेंगे. देन द बॉय बोर्ड हिज हेड इन रेस्पेक्ट एंड वेंट अवे. लड़का अपना भूल समझकर अपने सिर झुकाए अपने घर चला जाता है. एंड मिस्टर रॉय वॉक्ड बैक इनटू हिज हाउस. मिस्टर रॉय भी अपने घर लौट आते हैं. ही वॉज स्माइलिंग. मिस्टर रॉय वॉज स्माइलिंग बिकॉज ही लर्नड ए लेसन. Because he learned a lesson in kindness. उन्होंने kindness के ऊपर एक lesson सिखा दिया. किसको? एक बच्चे को. तो इस विषय से आपने क्या सीखा? किसी भी प्राणी को, किसी भी जानवर को मारना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें भी हमारे तरह दर्द होता है.